ओपन कर सकते हैं ओके? Okay? तो ये मेरे सामने software open हो रहा है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर software कुछ ऐसा अपीयर होता है ओके okay? तो ये हमारी सबसे फर्स्ट स्क्रीन होती है जिसके अंदर लेफ्ट साइड में सारे टूल्स होते हैं अलग अलग टूल्स इज अवेलेबल डिफरेंट टूल्स इज अवेलेबल इन द लेफ्ट साइड कौन कौन से टूल्स होते हैं पेंट स्टैम्प लाइंस शेप्स टेक्स्ट लेबल फिल मैजिक अंडू रीडू इरेज़र न्यू ओपन सेव प्रिंट और क्विट ये सारे टूल्स होते हैं जो लेफ्ट साइड में अपियर होते हैं अब हम किसी भी टूल को सिलेक्ट करते हैं जैसे हम शेप्स को सिलेक्ट करते हैं तो राइट right साइड में सारे शेप्स अपियर हो जाएंगे अगर हम मैजिक को सिलेक्ट करेंगे तो राइट right साइड में सारे मैजिकल इफेक्ट्स अपियर हो जाएंगे

Uh, न्यू ऑप्शन बहुत सारे बैकग्राउंड्स अपीयर हो रहे हैं आप अगर और बैकग्राउंड यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो टाइप्स ऑफ द अपीयरिंग ओके तो यू कैन यूज एनी ऑफ द बैकग्राउंड एस यू लाइक नाउ आई एम सिलेक्टिंग दिस रेड कलर बैकग्राउंड ये मैंने रेड कलर बैकग्राउंड सिलेक्ट किया है रही हूँ रेड कलर पर सारा साउंड भी आपको साथ में मिलता जाता है विच इज वेरी फनी अब हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पर कोई एक शेप ड्रॉ करना चाहते हैं तो शेप्स पे क्लिक करेंगे जब हम शेप्स पे क्लिक करेंगे तो राइट right साइड के अंदर वी गेटिंग डिफरेंट शेप्स यहाँ पर जितने भी शेप्स मिलेंगे वो बिना कलर के होंगे सिर्फ बाउंड्री कलर होगा इन शेप्स में सिर्फ बाउंड्री कलर ओके इन में कोई कलर नहीं होगा और ये जो सारे शेप्स है ये सब अंदर भी फिल कलर होंगे मतलब अलग अलग वेराइटीज के कलर हम फिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कलर पैलेट ओके तो आज हम एक सर्कल बनाते हैं. ये सर्कल बनाना है हमें रेड कलर में जिसकी बाउंड्री रेड होगी तो ये मैंने कलर पैलेट में से रेड कलर चूज कर लिया और लेफ्ट साइड में सर्कल चूज कर लिया अब स्क्रीन पर आकर माउस को रिलीज ड्रैग एंड रिलीज करेंगे जितना बड़ा सर्कल चाहिए हम उतना बड़ा सर्कल बना सकते हैं सपोज मुझे इतना बड़ा सर्कल चाहिए तो अब मैं यहाँ पर माउस को रिलीज कर दूंगी अब रेड कलर में रेड कलर का सर्कल दिख नहीं रहा है क्यों क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी रेड था सर्कल चूज करा येलो कलर किया और ये येलो कलर का सर्कल बना दिया ठीक है तो इस तरीके से हम अपना सर्कल बना सकते हैं नेक्स्ट अब मुझे एक सर्कल बनाना है जिसका कलर फिल होगा ओके येलो कलर में तो हम ये क्या कर रहे हैं सर्कल में गए येलो में गए और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जितना बड़ा आप चाहते हैं उतना बड़ा आप ड्रॉ कर सकते हैं तो ये देखो आपको दो अलग अलग चीजें दिख रही है एक सर्कल है जिसकी सिर्फ बाउंड्री है वो किससे आएगा इससे आएंगे और एक सर्कल कलर, तो कलर okay? पैलेट में, तो में से मैम पिंक कलर चूज कर रही हूँ और ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ अब ट्राइंगल को हम रिसाइज कर सकते हैं दिख रहा है आपको ये छोटा सा प्लस बटन इससे हम अपना ट्राइंगल बड़ा छोटा कर सकते हैं अब इस ट्राएंगल को अगर हम रोटेट करना चाहते हैं तो हम रोटेट भी कर सकते हैं ठीक है ये स्पिन बटन आपको दिख रहा है आप जितना इसको रोटेट करना चाहते हो आप उतना इसको रोटेट कर सकते हो अब ये मेरा रोटेट हो चुका है अगर सपोज दैट ये आपको पोजिशन प्रॉपर लग रही तो आप अपने माउस को रिलीज कर देंगे तो ट्राइंगल मेरा फिक्स हो गया ओके अब हम इस ट्राइंगल को कलर करना चाहते हैं तो हम कलर भी कर सकते हैं ओके और अगर इसके अंदर हम कुछ और ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम और भी ड्रॉ कर सकते हैं

राइट साइड के अंदर अगर आपको सिर्फ बाउंड्री कलर चाहिए तो आप ये बाउंड्री कलर लेंगे और आपको अंदर का कलर चाहिए तो आप अंदर का कलर राइट साइड के सेकेंड वाली ऑप्शन से चूज करेंगे ओके okay? और, और शेप्स चाहिए तो आप ये और शेप्स भी चूज कर सकते हैं बहुत सारे शेप्स है यू कैन चूज एनी टाइप ऑफ द शेप फ्रॉम दिस ओके आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू ओके थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो